देश इन दिनों एक बहुत बड़े खतरे से लगातार जूझ रहा है, लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। और आज हमारे साथ है खतरों के खिलाड़ी, जो कि खतरों से खेलते नजर आए हैं, के यानी कि खतरों के खिलाड़ी में। और उनका नाम है करण पटेल, जिन्हें हम बहुत ही प्यार से पुकारते हैं केपी। केपी, स्वागत है आपका सास बहू और कोरोना में। हाउ आर यू? थैंक यू थैंक यू। आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? ऑल गुड। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये कैसे कट रहा है आपका? तो ऐसा हालत हो गई, वो काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। बट आई थिंक मेहर इज अ ब्लेसिंग। मेरा सारा वर्क आई थिंक मेहर के साथ निकल जाता है तो पता नहीं चलता। बट यस, यू डू आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू डू टेंड टू मिस टू गेट आउट मीट फ्रेंड्स। कभी कभार होता है, बट देन अगेन जब हम एक तौर पे बिजी होना शुरू हो जाते हैं तो फिर फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्पेंड विद फैमिली एंड कैच अप ऑन ऑल द मिस टाइम्स। यस, तो रब की मेहर कैसी है अभी? इज शी अराउंड यू राइट नाउ? नो, शी इज स्लीपिंग राइट नाउ, बट शी इज ब्रिलियंट यार। अभी 4.5 महीने की हो गई है एंड बिल्कुल अपने पापा पे गई है, मस्ती खोर, मतलब शी इज अ ब्रैट। तो करण की लाइफ कितनी बदली है रब की मेहर घर में आने के बाद, क्योंकि करण में आप काफी चेंजेस भी देख रहे हैं पहले से अभी। अब मैं आपको बताऊंगी नहीं चेंजेस, बाद में बस। No, well, I've become more patient. I think अब स्ट्रेस नहीं होता किसी चीज को लेकर, क्योंकि जब भी किसी चीज की स्ट्रेस हो एंड जस्ट लुक एट मेहर एंड यू थिंक दैट द वर्ल्ड इज सो पीसफुल, वर्ल्ड इज सो नाइस। आई थिंक उसकी हंसी ना सारी स्ट्रेस भुला देती है आपकी। पोएट्रीज और एक्सरसाइज में बिजी हो गई है, सो शी इज शी इज गेटिंग बैक इनटू शेप विद अ वेंजेंस एंड शी इज बीन राइटिंग अ ब्यूटीफुल पोएम्स, सो आई थिंक उसी में बिजी रहती है वो भी। करण, घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिक्कतें हो रही हैं। कुछ कुछ लोग बोलते रहते हैं कि कैसे फंस गए हैं, क्या करें, कैसे होगा। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है घर में? जिस दिन अगर इंसान को अपने घर में दिक्कत आने लगे तो फिर उसे घर थोड़ी ना कहेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस घर को कमाने, अगर एक होता है सपनों का घर, अगर उस घर को कमाने में अपने आप अपनी आधी जिंदगी लगा दी हो तो फिर उस छत के नीचे रहने में क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्यों आई है? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं करण जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उनको कितने लोग समझा रहे हैं, गवर्नमेंट समझा रही है, पुलिस समझा रही है, हाथ जोड़ जोड़ कर उनको समझाया जा रहा है, लेकिन वो बात नहीं तो, आ रहे। पर यही तो गलती है ना, जिनको दो हाथ लगाने चाहिए उनको हम हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं, दो डंडे पीछे मारो, दौड़ा दौड़ा के इनको घर तक दौड़ा, इनके मारते मारते तब समझेंगे ये। क्योंकि ये लोग नहीं समझ रहे कि ये लोग के बाहर निकलने से शायद इन्हें कुछ ना हो या हो, लेकिन अगर ये बीमारी घर लेके चले गए ना तो इनके माँ बाप को जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिकॉज कोरोना वायरस इज सच अ डिजीज दैट इट अटैक्स एंड इट्स इजीली कोलैप्सेस द एल्डर पीपल, द ओल्डर जनरेशन एंड वेरी यंग किड्स, सो वी हैव टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट देम। अगर आप अपने माँ बाप की चिंता नहीं कर सकते हो तो फिर तो आपको वैसे भी जीने का हक नहीं, तो मरी जाओ कहीं जाके। सच हम देख रहे हैं कोरोना फाइटर्स पर हमले हो रहे हैं, जो लोग अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, नर्सेस, डॉक्टर्स, मेडिकल ब्लड बॉयज है, चारों खून ना खोलता है सब देख के यार। मेरा तो मतलब कभी कभी तो गंदी गंदी गालियां निकलती है मुस्लिम लोगों के लिए, बिकॉज ये लोग नहीं समझते हैं कि जिनको आप नुकसान पहुंचा रहे हो वो अपनी जिंदगी के दाव लगा रहे हैं, वो अपनी जान हथेली पे रख रहे हैं हमारे लिए, दे पुटिंग देयर लाइफ्स ऑन द लाइन फॉर अस। And how dare you do that? तुम्हें कदर नहीं है, तुम्हें परवाह नहीं है, पर हमें है इनकी बॉस, हमारे लिए तो ये भगवान से कम नहीं है, they're fighting for us. So I think अगर किसी ने कोरोना वायरस हेल्पर्स या जो ये कोविड आर्मी हमारी है उस पर अगर किसी ने उंगली भी उठाई ना तो आई थिंक दे शुड बी स्ट्रेट अवे पुट बिहाइंड बार्स एंड विदाउट बेल, इनको रहने दो अंदर, सड़ने दो अंदर। और करण जी, कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मतलब वो लोग माइंडसेट उनका ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि हमें ये करना है, टारगेट करके प्लानिंग। हाँ, उन्हें ऐसा लगता है या तो बिकॉज़ ही ये होता है ना कि हर सोसाइटी में देयर आर फ्यू मेनेसेस, ये वो सोसाइटी के वो क्या बोलते हैं, ये वो सोसाइटी के वो गंदी वाले कीड़े हैं जो सोसाइटी खराब करते हैं। बिकॉज ये हैं वो लोग जो पीस खराब करते हैं, वो टेयर द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी अपार्ट। बस इनको चाहिए कि बस हम मस्ती तूफान मचाएं, है ना, उधम मचाएं ताकि माहौल खराब हो, माहौल में पैनिक फैले, पता नहीं इनको क्या मजा आता है इससे।
करण, आप घर से बाहर निकले इन पिछले पूरे मंथ में कभी किसी चीज को खरीदने के लिए या किसी काम के हाँ, लिए? मैं निकलता हूँ, मैं काफी निकलता हूँ, बिकॉज मेहर का सामान लाना होता है या घर का कुछ सामान लाना होता है, तो आई कीप आई गो आउट वंस इन अ व्हाइल। तो आपका सामना बट क्या हुआ कुछ ऐसे लोगों से जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे या कुछ फूट पटांग हरकते कर रहे हैं, कहीं पे कोई मिला नहीं ऐसा? नहीं बिकॉज आई डू दैट, मैं हफ्ते में 2 दिन बाहर निकलता हूँ टू डिस्ट्रीब्यूट राशन टू द पुअर पीपल। सो मैं राशन किट्स बनवाता हूँ एंड देन आई डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पुअर पीपल इन माय कार। तो मुझे तो लगता है अभी तक तो कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं है। एंड जहाँ तक पुलिस का सवाल है, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। उन्होंने अहम अहम जगहों पर अपनी नाकाबंदी लगा रखी है एंड वो दिन रात डटे हुए हैं। एंड आई थिंक अब वो जो पागल मैं बोल रहा था ना कि जो वो कुछ कमीने गंदे कीड़े हैं सोसाइटी के, आई थिंक उनकी ना अब तादाद कम हो गई है, बिकॉज नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड एंड पीपल हैव बिकम रिस्पांसिबल एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पुलिस एज वेल। तो मैंने तो एटलीस्ट ऐसे कुछ देखा नहीं है, व्हिच आई एम ग्लैड, क्योंकि अगर मैं देखा तो शायद मेरा तो हाथ ही उठ जाता उतर के। जैसा कि हम सब करण को जानते हैं, करण बहुत खुली सोच रखते हैं, आप खुलकर बोलना पसंद करते हो और इसीलिए आप बाकी एक्टर से एकदम हटकर हैं, क्योंकि आप आपकी बात को दिल से सामने एकदम बिना ये सोचे कि कौन क्या सोच रहा होगा, यू पे अ डैम, आपका ये अप्रोच है जो हमें बहुत पसंद है और कुछ लोगों को ये खटकता भी होगा शायद, लेकिन हम मतलब सिंपल है ना कि अगर आप में सवाल पूछने की खुजली हो रही तो जवाब सुनने की हिम्मत रखो। करण आप मिस कर रहे हैं शूटिंग डेज को? रमजान का पाक महीना चल रहा है और करण का दिल बहुत बड़ा है, हमें पता है आप घर जाते थे सेट पर और भी करते थे, और अब लेकिन रौनक वो वाली मिस कर रहे हैं, आप क्या मिस कर रहे हैं? 6 साल बाद ये पहली ऐसी ईद होगी जो हम सेट पे मतलब अपने उस परिवार के साथ नहीं मनाएंगे, बट नॉनदलेस दुआ में तो हम हमेशा उनके रहेंगे, वो हमारे रहेंगे। रमजान का महीना सबसे पाक महीना है आई थिंक, एंड मेरे भाई अली गोनी ने भी एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था उसने कि रमजान के बहुत अच्छी बात कही थी अली ने कही थी कि रमजान के पाक महीने में क्यों ना हम अपने घरों को ही मस्जिद बना लें और वादा करते हैं कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, घरों से बैठ के दुआ करेंगे और अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेंगे और हम सबको इस मुश्किल से निकालेंगे। इतनी अच्छी सोच रखने वाले भी लोग होते हैं, देखिए आप। बिल्कुल, अली से मैंने भी बात की थी और अली उस इंटरव्यू के दौरान आपका जिक्र कर रहे थे, बोल रहे थे मैं करण भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो आप और अली हम तो हमारी तीन की जोड़ी थी, तिगड़ी थी अली में और संग्राम। संग्राम तो नॉर्वे में है, शादी होके उनके उन्हें बहुत प्यारी सी बच्ची हुई है, बेटी है उनकी, तो संग्राम नॉर्वे में चिल कर रहा है एंड टचवुड लकीली नॉर्वे में इतना कुछ खराब नहीं चल रहा माहौल। बट अली, अनीता, रोहित, एक आई मिस माय एंटायर गैंग यार, स्पेशली अली, अनीता एंड रोहित, उफ बहुत मिस करता हूं इन तीनों को यार। लॉकडाउन ने करण को क्या सिखाया है? लॉकडाउन काफी बड़ी बड़ी सीख दे रहा है सबको, तो करण ने क्या सीखा है? यही कि घर उतनी भी बुरी चीज नहीं है यार, रहना रह सकते हो अगर रहना चाहो तो, एंड इट्स नॉट दैट बोरिंग। लोग कहते हैं घर पे बैठना क्या बोर हो रहा है यार, नहीं बट एक्चुअली घर पे रहना काफी एंटरटेनिंग हो सकता है अगर आप तरीके ढूंढ लो एंटरटेनमेंट के। तो अभी आप घर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खुश मुझे लगता है एक तो नॉटी जरूर खुश होगा। हाउ इज नॉटी डूइंग? नॉटी इज डूइंग परफेक्टली फाइन, ही इज इनसाइड, वो भी अभी खाना वाना खा के मस्त भाई साहब पड़े हैं एसी में सो रहे हैं। तो उसको कौन घुमाता है, क्योंकि पेट्स की रूटीन प्रॉपर है, आपको बहुत केयर करनी होती है। आई ऑल्सो हैव अ पेट एट होम, तो पूरा खाना घुमाना टाइम पर सब जरूरी होता है। यस यस, नॉटी के वॉक्स टाइम पे होते हैं, प्लस नॉटी के साथ साथ मेरे सोसाइटी के आई थिंक देयर अबाउट 6-7 डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स आल्सो, जिनको हम ड्राई फूड डालते हैं रोज दिन में 2 बार। सो दैट आई थिंक दैट थिंग हैपेंस ऑन टाइम, दैट इज प्रायोरिटी, आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, बिकॉज यार इतने प्यारे हैं बेचारे, मुंह से चू तक नहीं करते एंड दे जस्ट लव यू अनकंडीशनली यार, तो इनके लिए तो सबसे पहले थॉट मेरे इनके लिए निकलता है कि पहले इनकी मदद की जाए। नॉटी भी आपको देखता होगा ना कि करण को क्या हो गया है, ये पूरा दिन घर में कुछ ज्यादा। नॉटी का तो नॉटी का एक्सप्रेशन वैसे होगा कि क्या बाप है मेरे, जा काम पे जा कुछ कर, जिंदगी में कब तक घर पे पड़ा रहेगा, उसका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, चलो जाओ यार काम पे जाओ। अच्छा, आपका बहुत बड़ा गैंग है, आप पार्टी फ्रीक हैं, आप पार्टी करते जी, तो मिस कर रहे हैं वो पार्टी वाले दिनों को? बहुत, मतलब I haven't had a drink in the last 35-40 days now, 45 days in fact, so which is good, I mean health wise I'm feeling good, not that I was feeling bad or unhealthy earlier also, but वो once in a while वो जो break होता ना once in a week Saturday night full, मतलब full power party Saturday night full tight full party वाली mood, I think वो miss कर रहे हैं दोस्तों के साथ वो वाली nights, but I think इसकी भी जरूरत थी थोड़े से ठहराव की,
सो बिकॉज जिंदगी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, तो आई थिंक थोड़ा सा ठहराव जरूरी था सबके लिए. एंड अब जब वापस सब आम तौर पे शुरू हो जाएगा ना, जब नॉर्मल हो जाएगा, तो अब चीजें करने का तरीका बदल जाएगा और मजा दुगना हो जाएगा. कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं हमें एक छोटा सा वरदान भी दिया है कि भैया फैमिली फैमिली कम्स फर्स्ट, स्पेंड टाइम विद फैमिली. जिंदगी तो फिर भी चलती रहेगी, बट फैमिली के साथ वक्त शायद दोबारा ना मिले, है ना? तो सेव एंड स्पेंड एवरी मोमेंट एंड मेक एवरी मोमेंट चेरिशेबल विद द फैमिली. आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीबॉडी शुड डू. स्टे होम, स्टे विद फैमिली. आई मीन बाहर तो आप पूरी जिंदगी रहे हो यार, कुछ महीने घर पे रहने में क्या दिक्कत है? तो कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि वैल्यू कोरोना करोना, फैमिली की वैल्यू करो ना. रिस्पेक्ट करोना. कोरोना ने हमें सिखाया है कि फैमिली की वैल्यू करो ना, रिस्पेक्ट करो ना, कोरोना की इज्जत करो ना, एंड कोरोना से लड़ने वालों की बेइज्जती करो ना. और अगर फिर भी तुमने बेइज्जती की तो मैं पुलिस वाले से कहूंगा कि आप इनका कुछ करो ना. वेल सेड. नहीं, जरूरी है ऑफ कोर्स, एक एग्जांपल सेट करना जरूरी होता है. या आई थिंक मैं बता रहा हूं ना, आई डोंट केयर हु थिंक्स व्हाट, बट मैं चाहता हूं एक जबरदस्त जबरदस्त आर्मी वाला लाठी चार्ज करें ये इस ऐसे कोई सी एक झुंड पे जो ये पागलपन कर रहे हैं ना, बाहर निकल के डॉक्टरों पे हाथ उठा रहे हैं, थूक रहे हैं, ये जो है कुछ घटिया टाइप लोग. मैं बोलो एक एक दिन दाल बेन दास वाला लाठी चार्ज करो. बिल्कुल. ये खाली हमारे पेशेंट्स की जो खबर आ रही है ना, ये जो किया इन लोगों ने, जिसकी वजह से इतना कोरोना बढ़ गया हमारे देश में, जो कि कंट्रोल में था पहले. लेकिन तबलीगी जमात के सारे लोग भी ऐसे नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक इंसान की गलती इतनी भारी पड़ जाती नहीं, है. बट आई वुड नॉट कॉल इट के जो इन लोगों ने किया एंड कोरोना फैला दिया. बिकॉज देखो जो ये बीमारी ऐसी है कि इसे फिर तो फैलना था ही. इट्स अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ पीपल. And it is not right to blame any one person or one com, है ना? क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं है. And I'm sure कि अगर उसमें उसमें से भी कुछ लोगों की वजह से फैला भी होगा थोड़ा बहुत, तो उन्होंने जानबूझ के नहीं फैलाया होगा, है ना? At the end of the day, अगर उन्हें भी पता होता कि कितना सीरियस है ये मामला, तो वो भी तो अपनी जान की परवाह करते ही ना, मरने का शौक किसे है? So I would give them the benefit of doubt कि जो कुछ हुआ है उनके नादानी अनजानी में हुआ, because they didn't know the seriousness of the issue. और जब तक उन्हें समझ में आई कि बात कितनी गंभीर है, कितना सीरियस हो सकता है मामला, तब तक द डैमेज वाज ऑलरेडी डन. और उसके बाद शायद जो बदले हुए बयान भी आ रहे हैं, उन्होंने उस इंटेंसिटी को नहीं समझा था कि ये जो डिजीज है ये क्या है. एग्जैक्टली. एंड कहीं ना कहीं तो बॉस एवरीबॉडी नोज कि इतनी बड़ी जब जमात होती है तो इट हैपेंस विद पॉलिटिकल परमिशन, राइट? आई एम श्योर उन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन परमिशंस दी होंगी. तो कहीं ना कहीं इज द लैक ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि हमें बिफोर एंड उन्हें रोक देना चाहिए था. आपको तो पता था ना कि भाई आज से 4 दिन 5 दिन बाद कोई जैसे जमात की जमावड़ा होने वाला है, और आपसे परमिशन ली है इन्होंने, तो आपको रोक देना चाहिए था उन्हें. आपने भी नहीं रोका उन्हें, तो फिर आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तो तुमने ऐसा कर दिया दोनों तरफ से. एग्जैक्टली. और अभी बड़ी अच्छी खबर आई कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं बड़े अच्छे हैं, वो उनमें से कुछ जो प्लाज्मा डोनेट कर प्लाज्मा रहे हैं. डोनेट करें, यस यस. कि सब एक तरह के नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं. आई थिंक इस बात से ना उन कुछ जो जहर जहरीले दिमाग है ना, जो जो हिंदू मुसलमान करते हैं, आई थिंक उनके मुंह बंद हो जाएंगे और आंखें खुल जाएंगी कि हिंदू बाद में, मुसलमान बाद में, सिख ईसाई सारे बाद में, पहले इंसान बनना जरूरी है. आई थिंक इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और यही बात साबित होती है इन कुछ अच्छे इंसानों की वजह से जो जो तबलीगी जमात के हैं, जो प्लाज्मा डोनेट करने की बात कर रहे हैं. ये इसे इंसानियत कहते हैं, इसे हिंदू मुसलमान नहीं कहते. सो वी शुड नॉट बी गिविंग इट कम्युनल कलर्स एवरी टाइम. करेक्ट. करण, आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं. अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग बात, कि ये हम सबको जानना है. अब मैं खुद एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ घर में, तो क्या करें घर में? अब जिम सेटअप नहीं है जैसे मेरे यहाँ, तो करण क्या सजेस्ट करेंगे? वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं? जितना हो सके ना कि घर पे ऑन द स्पॉट जॉगिंग या स्किपिंग. स्किपिंग रोप नहीं है तो कपड़े सुखाने की रस्सी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है. इट्स टाइम टू, या इट्स टाइम टू इनोवेट. सो बट जस्ट या वी कैन जस्ट डू सम ऑन द स्पॉट जंपिंग, रनिंग, या डंड पे लो, डिप्स मार लो, या फिर इफ यू हैव एनी स्टेप आउटसाइड योर हाउस, सो मेक इट यूज इट लाइक अ स्टेपर, है ना? एरोबिक्स का जो स्टेपर होता है वैसे उसे यूज कर लीजिए. करण, आप कितना मिस कर रहे हैं आपकी वॉक्स को, बाहर जाना,
शूटिंग पर जाना, यहाँ से वहां जाना, पार्टीज करना आपने बताया, बट ओवरऑल एक ऐसा लगता है अंदर से कि जल्दी वो दिन आए जब हम लॉकडाउन से उभरे और जस्ट यू नो आवर लाइफ। हाँ यार मतलब यस 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 आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई एम होपिंग फॉर दैट डे टू कम एज़ सून एज़ पॉसिबल। मैं थक गया हूं यार, भी ऐसा लगता है शिट यार, शुरू करो यार, कुछ तो करो। मतलब कब तक लोग जैसे इंस्टाग्राम पे या हम स्काइप पे से दूसरे से बात करें, कभी हम रूबरू बात करें, एंड यू नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम किसी के चेहरे देखकर। अभी तो मतलब ऐसा लगता है हर चेहरा अनजाना सा हो गया है ना। आई हैवंट सीन पीपल इन रियलिटी फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, जो कभी पहले हुआ नहीं है। अचानक से ऐसा बिग बॉस के कंटेस्टेंट वाली फीलिंग आ रही है। कचरों के खिलाड़ी का कुछ कोई आप कोई किस्सा शेयर करना चाहें जहां पर आपको लगा कि सी दिस इज लाइफ एंड रिस्क कैसे यू नो आपने लिया, क्योंकि आपके स्टंट्स हमने देखे, तो कोई ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आप शेयर करना चाहें? उन्होंने एक स्टंट में ना रखी थी चिकलियां, जो आई थिंक अब वो स्टंट अभी तो हमने एपिसोड्स नए वाले फिर एयर नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ हमने फिनाले शूट नहीं किया अब तक, है ना। रिजल्ट डिक्लेरेशन बाकी है, सो व्हेन दोस एपिसोड्स एयर आपको पता चलेगा। एक एक स्टंट है जिसमें ना पूरे गर्दन मुंह पे चिपकलियां चिपकलियां डाली हैं, और मेरी जो हालत उसमें हुई है ना, मतलब मैं रो दिया हूँ। मतलब ऐसा कि मैं तो बोला नहीं होगा नहीं होगा, बट देन रोहित सर इंसिस्टेड कि नहीं होगा करण तू कर ले, तो फिर रोहित सर ने बोला ना चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। एंड उसमें मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया, अभिषेक वर्मा, वो भी आए थे वहाँ एक सरप्राइज एपिसोड के लिए। करण आप चलते चलते उन कोरोना फाइटर्स से, डॉक्टर्स से, नर्सेस से, वो जो भी लोग हैं जो हम लोगों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उनके बारे में करण क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? यार मैं उनके लिए ना मैं एक ही चीज कहूंगा चारू, कि वो जो जितने भी हमारे फाइटर्स है ना उनके लिए मैं हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पुटिंग योर लाइव्स ऑन द लाइन फॉर अस। अगर शायद आप लोग नहीं होते ना तो हम पता नहीं हमारे देश की क्या हालत होती, बिकॉज असली सिपाही और असली देश के रखवाले ना आज आप लोग हैं, हम लोग में से कोई नहीं है, सो थैंक यू वेरी मच। क्या बात है करण, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके, और हाँ। चलते चलते मैं भी यही कहूंगी कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यस बिल्कुल, तो जैसे करण ने ठाना है, जैसे पूरे इंडिया ने ठाना है कि हमें कोरोना को हराना है, लेकिन उसके लिए घर पर बैठ जाना है। स्टे होम स्टे सेफ एंड घर पर रहो यार, फैमिली भी अपनी है, आसपास देखो चेक कर लो, तुम्हारे वाले ही अपने वाले ही सारे, मजा आएगा उनके साथ। बिल्कुल करण, घर पे रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे सेफ एंड सी यू सून। या बाय बाय, थैंक यू।